जिस नाम से लोग उसे चिढ़ाते थे उसी नाम को उस बंदे ने ब्रांड बना दिया। जी हाँ गाइस, एक कहानी है मुंबई के सुधीर राजभर की, जिन्हें बचपन से ही जाति के आधार पर लोगों से चमार जैसे ताने सुनने को मिलते थे। चमार यानी कि चमड़े का काम करने वाले लोग। इसीलिए सुधीर ने यह ठान लिया कि वो इस काम को एक नया आयाम देंगे और इसीलिए उन्होंने अपने स्टार्टअप का नाम ही चमार रख दिया। क्योंकि सुधीर का यह मानना था कि कला तो कला होती है, वो जात पात और अमीरी गरीबी के मोहताज नहीं होती। और इसी कला को आगे बढ़ाते हुए सुधीर ने अपने स्टार्टअप के जरिए समुदाय के लोगों को रोजगार भी दिया और उन्हें एक नई पहचान दिलाई। और शायद यही वजह है कि आज सुधीर का यह स्टार्टअप चमार अपने के प्रोडक्ट्स को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बेचता है। वैसे गाइस, सुधीर की ये पहल उन तमाम लोगों के लिए एक सीख है जो जाति के आधार पर लोगों से भेदभाव करते हैं। सो गाइस, आज हमें मौका मिला है कि हम सुधीर के ऐसे स्टार्टअप के लिए और उसके कमाल की सोच के लिए कमेंट में एक हार्ट तो जरूर डालें। चाहे मुझे क्रिकेट छोड़ना पड़ जाए, लेकिन मैं कभी भी धोनी की सीएसके टीम में नहीं खेलूंगा। जी हां गाइस, ये कहना है सीएसके टीम के तेज गेंदबाज रह चुके आयरिश खिलाड़ी जोशुआ लिटिल का, जिन्हें हाल ही में गुजरात टाइटंस ने 4,40,00,000 रुपए में खरीदा है। दरअसल नीलामी से एक दिन पहले आयरलैंड के इस तेज गेंदबाज ने धोनी की सीएसके टीम पर आरोप लगाया है कि उन्हें पिछले सीजन में एक भी मैच खिलाया नहीं गया और तो और पूरे सीजन नेट में बोलिंग करवाई गई। इतना ही नहीं, जब वो नेट में बोलिंग भी करते थे तो उसमें भी उन्हें सिर्फ 2 ही ओवर करवाए जाते थे। और ऐसा उनके साथ इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत भोले थे और टीम ने उसका जमकर फायदा उठाया और उन्हें एक इंटरनेशनल बॉलर से नेट बॉलर बनाकर रख दिया। बहरहाल सीएसके पे ये आरोप बहुत ही बड़ा है क्योंकि जोशुआ लिटिल वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैट्रिक बनाई थी। वैसे गाइस, आपको नहीं लगता कि सीएसके ने एक अच्छा बॉलर अपने हाथों से गवा दिया? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।